वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आप तमाम दोस्तों का अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के क्लासेस में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका सीटेट का क्या सिलेबस रहने वाला है, सीटेट का क्या रणनीति रहने वाला है, कैसे आप सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक ना। इस मैटर पर हम ज़्यादातर बात करेंगे और इससे पहले भी सीटेट का कैसे प्रिपरेशन करें, अगर कोई अभ्यर्थी एक नंबर दो नंबर से चूक गए हैं तो आप क्या करें। हम आपको पहले भी बताए थे कि जरूरी नहीं है कि बेहतर से बेहतर विद्यार्थी भी एक नंबर दो नंबर चार नंबर पाँच नंबर से चूक रहे हैं। और अगर कोई अभ्यर्थी मान लेते हैं कि 82 में आप 75 प्लस ला सकते हैं तो आप 82 प्लस या 90 प्लस मार्क भी ला सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने प्री प्लान और स्ट्रेटजी पर क्या करना है, काम करने का अलग तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो आज हम वहीं पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात, आज का जो मेरा मेन टॉपिक होगा वो होगा सीटेट का सिलेबस। क्या होगा? सिलेबस ऑफ सीटेट। क्या होगा? सिलेबस सीटेट का। किसका सर जी? तो सीटेट जो होगा, सीटेट का जो सिलेबस है क्या बोलेंगे, इस पर जो हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। देखिएगा, हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि सीटेट का सिलेबस में, अगर सर जी आपको मालूम है कि सीटेट दो के लिए होता है, एक होता है सर जी पेपर वन के लिए, किसके लिए होता है, पेपर वन के लिए, और दूसरा जो सीटेट होता है सर वो किसके लिए होता है, पेपर टू के लिए। अगर हम पेपर वन की बात करते हैं तो आप बोलेंगे कि सर ये क्लास वन से लेकर के फिफ्थ तक के स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए होता है। और अगर आप सीटेट टू की, पेपर टू की बात करते हैं तो ये क्लास सिक्स से लेकर के क्लास एट तक के स्टूडेंट के लिए होता है। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा? आप बोलेंगे सर नहीं। इसके बाद में अगर हम दूसरा नंबर पर सर आपसे बात करें तो आप बोलेंगे कि गुरुदेव सीटेट का सिलेबस कितने नंबर का होता है? टोटल 150 नंबर का होता है। देखिए सीटेट में टोटल 150 क्वेश्चन भी होता है और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। इसका मतलब कितना हो गया? ये 150 नंबर हो गया। कितना हो गया? 150 नंबर। दूसरी बात अगर हम आपसे करें तो आपको एक बात याद रखना है कि सीटेट में सर जी पास करने के लिए, अगर आप देखिए नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो नॉर्मली, या एससी एसटी किसी से भी आते हैं तो आपको कितना नंबर चाहिए? 82 मार्क चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, किससे आते हैं? जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 90 नंबर। मतलब 150 में 82 और 90 नंबर, ये पास का क्राइटेरिया है। दूसरी बात में सर जी, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता। क्या बोलेंगे? नो निगेटिव मार्किंग। इसमें याद रखिएगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ये बात को ध्यान रखना है। मतलब आप 150 में 150 क्वेश्चंस को रन करके आइए, बिल्कुल आपको रन करके आना भी है, ठीक ना। इसके बाद अगर सर जी हम आपसे बात करें तो अब हम आपको यहां पर एक मैटर पर बात करेंगे कि सर जी ये बात हमको बतलाइए कि ये जो मेरा कैटेगरी हो गया, नेगेटिव मार्किंग हो गया, इसमें टाइम कितना रहेगा? तो आपको याद रखेगा कि टाइम रहता 2 घंटा 30 मिनट, जो कि सीटेट के लिए कहीं ना कहीं सर जी समय कम पड़ जाता है। और समय कम इसलिए पड़ जाता है क्योंकि लेंदी लेंदी क्वेश्चंस होता है, और अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में पहले से नहीं रहते हैं तो डेफिनेटली सोच लीजिए कि 10 से 15 क्वेश्चन तो आप यहां से क्या होंगे, छूटेगा ही छूटेगा, ठीक ना। चलिए अब सर जी हम पेपर वन के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? पेपर वन के सिलेबस को। इसमें सर जी क्या क्या होता है तो सबसे पहली बात समझिएगा, यहां पर जो होता है 75 क्वेश्चंस जो होता है, ये किसका होता है? ये सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। क्या होता है? ये सब्जेक्ट मतलब थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, समझे? आप बोलेंगे बिल्कुल सर नहीं। और इसके बाद में 75 क्वेश्चंस जो होता है ये किसका होता है? तो आप बोलेंगे सर जी ये पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। आप बोलेंगे सर कि ये पेडागोजी क्या होता है? तो पेडागोजी का मतलब होता है हाउ टू टीच। मान लीजिए कि आपने अच्छा पढ़ा, आपके पास में नॉलेज हो गया। नॉलेज होना अलग बात है लेकिन अपनी बातों को डिलीवर करना ये अलग बात है। तो आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे शिक्षक बनने के बाद में? इसी को बोलते शिक्षण कौशल, इसी को बोलते सर जी क्या? पेडागोजी। इसी को क्या बोलते? पेडागोजी। आपके पास में नॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन आपको पढ़ाने नहीं आता तो आप शिक्षक के योग्य नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में थोड़ा नॉलेज कम भी है, आपको पढ़ाने का कला है, तो आपके पास क्या है? एक बेहतर स्किल और आप एक बेहतर टीचर है। इसी को बोलते हैं पेडागोजी। तो देखिए, लेकिन सर जी अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि गुरुदेव हमको तो बहुत सारा टीचर बोलता है कि पेडागोजी 90 नंबर का सवाल पूछता है। हम बोलेंगे बिल्कुल आप पेडागोजी 90 नंबर ले सकते हैं। कैसे? देखिए यहां पर जो एक पोर्शन होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? सीडीपी बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बोलते हैं। ये जो 30 नंबर का सवाल पूछता है, दरअसल 30 नंबर का जो इसका थ्योरी का सवाल होता है 15 नंबर का, 30 नंबर में सर जी 15 नंबर जो थ्योरी होता है और 15 नंबर जो पेडागोजी होता है, ये 15 नंबर थ्योरी वाला भी सर जी इसमें जुड़ जाता है। इसीलिए 75 प्लस 15 क्या हो जाता है? 90 नंबर हो जाता है। और याद रखिए आपको पास करवाने में बहुत ज्यादा योगदान कौन करेगा? यही 90 नंबर वाली क्लास करेगा। अगर आप इस 90 नंबर में से 70 नंबर में ले आते हैं ना तो गारंटी कहते हैं कि आपको पास होने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है, लेकिन ये हो नहीं पाता है।
90 में 70 नंबर भी लाना ये हो नहीं पाता, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इस तरह से बढ़ता है कि आप डाल डाल तो एग्जामिनर पाथ पाथ चलता है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर अब पढ़ना है तो आप अपने डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा करके चलिए। तो अब सर जी बात करते हैं, ये तो पूरा का पूरा बात हो गया, पेपर वन हो चाहे पेपर टू हो सबका यही पैटर्न होता है, चाहे पेपर वन हो चाहे पेपर टू हो सबका क्या होता है, यही पैटर्न होता है। 75 नंबर सब्जेक्ट से थ्योरी और 75 नंबर क्या हो गया पेडागोजी। लेकिन अब सर जी हम बात करते हैं कि पेपर वन का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए पेपर वन का सिलेबस जो रहने वाला है इसमें एक पेपर तो क्या हो जाएगा आपको सीडीपी हो जाएगा, दूसरा पेपर सर आपको क्या हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा सर जी मैथ्स, क्या होगा मैथ्स, और तीसरा पेपर में क्या होगा ईबीएस होगा, क्या होगा EBS होगा, और चौथा पेपर में क्या होता है तो एक होता है लैंग्वेज पेपर वन, और पांचवा में क्या होता है तो होता है लैंग्वेज पेपर टू। देखिए जनरली विद्यार्थी लैंग्वेज पेपर वन में क्या चूज करता है तो यहां पर कहीं ना कहीं सर जी आप लोग हिंदी को चूज करते हैं, और लैंग्वेज पेपर टू में आप किसको चूज करते हैं, या तो आप इंग्लिश चूज करते हैं या तो सर जी आप क्या चूज करते हैं संस्कृत चूज करते हैं। समझ आ गया, ये दोनों में से कोई एक, अगर आप हिंदी लिए हैं, अगर आप मान लेते इंग्लिश लिए हैं तो संस्कृत नहीं ले सकते हैं, कोई अगर संस्कृत लिया है तो इंग्लिश नहीं ले सकता, कोई दिक्कत है। चलिए अब सर जी हम आगे डिस्कस करते हैं, सर जी सीडीपी जो होता है ये भी कितने नंबर का, ये भी 30 नंबर का, मैथ्स भी कितने नंबर का 30 नंबर का, सभी सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है, और ईबीएस का भी कितना 30 नंबर का, और हिंदी का भी कितना 30 नंबर, और इसका भी सर जी कितना 30। तो आप काउंट कीजिए क्या 30 × 5 क्या हो गया 150 नहीं हो गया, आप बोलेंगे बिल्कुल। अब सर जी इसमें भी दो पैटर्न होता है, इसमें सर जी क्या बात करेंगे कि 15 नंबर का पेडागोजी हो गया और 15 नंबर का क्या हो गया थ्योरी, और सर जी मैथ्स में भी सर जी क्या होता है वही हाल होता है 15 नंबर का पेडागोजी 15 नंबर का थ्योरी, ईबीएस में भी 15 नंबर का पेडागोजी 15 नंबर का थ्योरी। अब आप बोलेंगे गुरुदेव सीडीपी में तो समझ में आता है कि क्या पढ़ना है, मैथ्स में भी समझ में आता है, अगर पेपर वन है तो आपको डिफिकल्टी लेवल, अब हम आपको बता रहे सर जी आप क्लास 6 to 8 तक का एनसीईआरटी मैथ को जरूर बनाएं। अगर आप सोचेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 का टीचर बनना है और 1 to 5 लेवल का मैथ्स को हम पढ़ करके टीचर बन जाएंगे तो हम कहते हैं वो सपना देखना बंद कर दीजिए, वो जमाना चला गया जब कोई टीचर कहता था YouTube पर आकर के कि मेरे भाई 7 दिन पढ़ो और सीटेट करो पास, वो जमाना आज से 3 टेन्योर पहले तक ही था, अब तो ऐसा होना बिल्कुल भी गधे वाली बात हो जाएगी और बिल्कुल ये आपको जस्ट लॉलीपॉप दिखाने वाली बात हो जाएगी। इसीलिए अब अगर आपको मैथ्स को पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स में हम 30 में से कम 20 नंबर 22 नंबर लेकर के आए तो आप क्लास 3 से लेकर 8 तक के मैथ्स को बनाइए, तभी सर जी आपका कहीं ना कहीं लेवल सुधरेगा। और ईबीएस तो सर जी आपको मालूम होता है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इस ईबीएस किस क्लास तक से है तो ईबीएस जो है क्लास 3 में है, ईबीएस क्लास 4 में है और ईबीएस क्लास 5 में है, और 3, 4, 5 का अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको सर जी क्या करना है एससीआरटी जो सरकारी स्कूल का बुक होता है आप इस किताब को पढ़िए, या नहीं तो सर जी जो एनसीआरटी होता है एनसीआरटी क्लास 3 का 4 का 5 का पढ़िए, यहां सबका क्या होगा ईबीएस मजबूत होगा। और हिंदी के लिए क्या करना है, देखिए हिंदी में कहीं पर भी सीटेट के सिलेबस में कहीं पर भी ग्रामर का कोई रोल ही नहीं है, तो सर जी क्या ग्रामर नहीं पढ़े, हम बोलेंगे बिल्कुल मत पढ़िए, ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, आप मोटा मोटा 1, 2, 3, 4 चैप्टर को थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख लीजिए, और वो भी जो ग्रामर पूछेगा वो सर जी इसी गद्यांश पद्यांश में पूछेगा। हम कहते हैं कि अगर आपको इस एग्जाम को पास करना है तो सबसे ज्यादा जोर देना होगा किस पर सर जी, आपको हिंदी के सिलेबस पर और इंग्लिश के सिलेबस पर। यह भी कैसे पास करना है इसका स्ट्रेटजी वीडियो पहले डाला हुआ है तो आप उसको भी देख सकते हैं, ये तो हम आज सिलेबस डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस में क्या क्या है तो डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा। हम फिर से बोल रहे हैं अगर आपको पेपर वन क्लियर करना है तो सीडीपी सबका मजबूत रहता है, आपको सबसे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता क्या है लैंग्वेज पेपर वन पर, लैंग्वेज पेपर टू पर और तीसरा नंबर पर मैथ में। अगर आप इसको करते हैं तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको इसमें 100+ नंबर लाने से नहीं रोक सकता है, यह बात को आप क्या कीजिएगा ध्यान में रखिएगा। इस डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, जिस स्तर पर आप थे उससे 1 से 2 लेवल ऊपर जाना पड़ेगा। अब सर जी हम किसके बारे में बात करते हैं तो अब हम आपको बात करते हैं सर जी पेपर टू के लिए, किसके लिए पेपर टू। देखिए पेपर टू में 2 स्ट्रीम खुलता है, एक स्ट्रीम किसके लिए, एक स्ट्रीम खुलता है किसके लिए साइंस वाले के लिए, और एक स्ट्रीम किसके लिए खुलता है तो आप बोलेंगे सर जी आर्ट्स वाले के लिए। याद रखिएगा साइंस वाले के लिए चीजें ज्यादा डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू आर्ट्स वाले, समझ आ गया। अब देखिए इसमें सिलेबस में क्या क्या रहेगा तो सबसे पहले हम साइंस और आर्ट्स की कॉमन पेपर की बात करते हैं। तो देखिए कॉमन पेपर क्या क्या होता है, सीडीपी इसमें 30 नंबर का होगा ही होगा एक पेपर, दूसरा सर जी इसमें क्या होगा लैंग्वेज पेपर वन होगा, और तीसरा क्या होगा लैंग्वेज पेपर टू होगा, समझे, और चौथा नंबर सर जी यहां पर क्या होगा तो आपसे यहां पर जो है साइंस के सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको सीडीपी होगा, दूसरा नंबर सर जी यहां पर क्या होगा तो लैंग्वेज पेपर वन होगा, तीसरा में यहां पर क्या होगा लैंग्वेज पेपर टू, और चौथा में क्या होगा तो यहां पर सर जी आपको आर्ट्स के सवाल पूछे जाएंगे। अब देखिए
यहां पर क्वेश्चन कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तो 30 नंबर का सवाल सीडीपी से आएगा, 30 नंबर का लैंग्वेज पेपर 1 से आएगा, 30 नंबर का सजी लैंग्वेज पेपर 2 से आएगा, और 8 से कितने नंबर का सवाल 60 नंबर का। और आर्ट्स में क्या क्या पढ़ना है, तो आप बोलेंगे सर जी कि हमको हिस्ट्री पढ़ना है, आपको सर जी ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको सर जी इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और आपको सर जी पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। करंट अफेयर्स का कोई वेटेज नहीं होता है, याद रखिए। और इसका जो लेवल रहेगा बिल्कुल और बिल्कुल आपको क्या करना सर जी, क्लास टेंथ लेवल का सारे के सारे एनसीईआरटी को पढ़ के जाना है, आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और याद रखिए एनसीईआरटी के लाइन से सवाल आता है, डिट्टो अगर आप एनसीईआरटी के लाइन को नहीं पढ़ते। देखिए पहले इसको पढ़ने के लिए 6 to 8 लेवल ही था, लेकिन हम फिर से बोलते हैं अगर आप सिर्फ 6 to 8 लेवल पढ़ जाते तो क्वेश्चन 100% यहां से छूटेगा ही छूटेगा। और सीडीपी में क्या करना, यहां पर भी 30 नंबर का यहां से, 30 नंबर का सवाल यहां से, 30 नंबर का लैंग्वेज पेपर 2 से, और साइंस से कितने नंबर का सवाल आएगा, तो याद रखिएगा यहां से सजी दो चैप्टर से सवाल आता है, यहां पर साइंस से भी सवाल आएगा और यहां पर सर क्या होगा आपको मैथ से भी सवाल आएगा। समझ आ गया, अगर आप साइंस वाले अभ्यर्थी हैं तो पेपर 2 के लिए यहां पर आपको साइंस में भी सवाल आएगा और मैथ में भी सवाल आएगा। लेकिन फिर से सुनिएगा, साइंस का सवाल जो होगा ये भी आपको 30 नंबर का रहेगा और मैथ का सवाल में कितने नंबर का रहेगा, 30 नंबर का रहेगा। लेकिन याद रखिएगा कि 30 नंबर में से 20 तो सवाल जो होगा ये किससे होगा, थ्योरी से, मतलब मैथ्स का सवाल पूछेगा, और 10 नंबर का सवाल किससे रहेगा, मैथ्स के पेडागोजी से रहेगा। उसी प्रकार से साइंस में भी 20 सवाल आपको इससे रहेगा, किससे, सब्जेक्ट से, थ्योरी से, और 10 नंबर का सवाल किससे रहेगा, तो आप बोलेंगे सर जी पेडागोजी से रहेगा। इसीलिए हम बार बार आपको बात करते हैं, अगर आप कहीं ना कहीं सर जी मान लेते हैं कि साइंस वाला विद्यार्थी हैं, तो याद रखिए कि आपको जो यहां पर लेवल और तैयारी करके चलना पड़ेगा, तो याद रख लीजिए सर जी कि 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के मैथ्स को इतने अच्छे तरीके से पढ़िए कि मैथ्स का सवाल आपको यहां से नहीं चुके। समझा गया। और अगर आप साइंस को पढ़ते हैं तो फिर से वही बात बोलेंगे कि 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक, ये तो हम मैथ की बात कर दी ऊपर वाले में, अगर आप 6th क्लास से 10th क्लास तक के एनसीईआरटी बुक को क्या बोलेंगे, एनसीईआरटी बुक के लाइन बाय लाइन को पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त लाइन बाय लाइन से सवाल आता है, और खास तौर पर किसको, तो सर जी आपको इंडेक्स को। हम फिर से आपको बोल रहे हैं, आप कुछ मत कीजिए, किसी टीचर के बहकावे में, झांके में मत आइए, क्योंकि देखिए कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाएंगे ना, हम गारंटी के साथ कहते हैं 100% एनसीईआरटी का लाइन कोई नहीं पढ़ा सकता है। अगर कोई 100% एनसीईआरटी का लाइन पढ़ाएंगे भी, तो याद रखिए वो एनसीईआरटी का बुक यहां पर लगल रहेगा तभी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि नहीं तो ऐसे 100% एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को लिखाना बोलना ये बस की बात नहीं है, इतनी कम समय में सिलेबस को पढ़ा देना। इसीलिए बोलते हैं कि कुछ मत कीजिए, आप जो है क्लास 6 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक के एनसीईआरटी को लाइए, और इस एनसीईआरटी का एक चैप्टर को पढ़िए, एक दिन में टारगेट दीजिए सिर्फ एक चैप्टर को पढ़िए, और एक चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस आता है सारे के सारे क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास कीजिए। और अगर नहीं बनता है तो आपके जो भी टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, जहां पर भी आप पढ़ने के लिए जाते हैं वहां पर सजी आप क्या कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, जितना भी एग्जाम्पलर है, जितना भी इंडेक्स है, और जितना भी अंतिम में दिया हुआ क्वेश्चन है, अगर आप इसको कर लेते तो हम आपको ऐसे कहते कि दुनिया का कोई भी मायका लाल ऐसा नहीं बन गया है जो आपके इस 6 to 10th लेवल में 30 में से आपको 25 प्लस नंबर लाने से रोक सकता है। आप दुनिया में कितना भी बेहतर टीचर भी क्यों ना हो, हम कहते हैं कि आप टीचर भी क्यों ना हो, अगर आप सर जी इसको ऐसे करके सॉल्व नहीं कीजिएगा, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि सीटेट में टीचर को भी 30 नंबर में से 20 नंबर लाना बहुत और बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हम गारंटी के साथ कहते हैं, और फुल प्रूफ, क्योंकि हम इस चीज को और इस दिन को झेले हैं, इसीलिए आपको बतला रहे हैं कि अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो इस लेवल पर जाकर के प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो आगे पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपको सीटेट का सिलेबस, सीटेट में कैसे तैयारी करना और आगे कैसे रणनीति होगा, इसके बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को भी देखिए, अगर इसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है तो आप हमको बतला सकते हैं। अब चलिए आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या कि अगर आप हमारे साथ सीटेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो याद रख लीजिए कि 11 मार्च से क्या बोलेंगे, 11 मार्च 2024 से हमारे ऑफलाइन बैचेज में, कहां पर सर जी, आप बोलेंगे कि हमारे ऑफलाइन बैचेज में कितने बजे से, तो आप बोलेंगे सर जी टाइम सुबह में 8 बजे से 9 बजे के बीच में क्या हो गया है, सीटेट का बैच प्रारंभ होने वाला है। क्या बोलेंगे, प्रारंभ होने वाला, समझ आ गया। और इसका इसमें आपको टोटल 3 टीचर मिलकर के पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, सौरभ सर आपको पढ़ाएंगे, और संस्कृत वाले टीचर अलग पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसके साथ में जुड़ना नहीं भूलिएगा, और इसका डेमो भी जो है हम आपको YouTube पर डाल देंगे, प्रत्येक 6 दिन 7 दिन का जो डेमो होगा उसको YouTube पर डालेंगे। तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस सीटेट वाले बैच में क्या करे, ज्वाइन करे, ठीक है ना, क्या करे,
ज्वाइन करें। और अगर आप पेपर वन का सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं तो इसका फी कितना है, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपया है। और अगर आप पेपर टू का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसका फी कितना है, 7,000 रुपया कंप्लीट। और हम इसी के साथ कहते हैं कि आपका साप्ताहिक टेस्ट भी होगा, टेस्ट का इवोल्यूशन भी होगा, और टेस्ट का सर जी क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिलेगा। और इस बार हम उस तरीके से आपका टेस्ट लेंगे जैसे आपका एग्जाम में आता है, 150 नंबर का सवाल और 150 नंबर का क्वेश्चन, उस तरह से क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। अगर आप हमारे से हमारे ऑनलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, देखिए मेरा नाम है ऑनलाइन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाई होती है, ठीक ना। तो अगर आप हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कौन सा, 88 26 50 99 20, इस पर जुड़ सकते हैं, ठीक ना। और हमारा पता क्या है, ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म रंगभूमि मैदान पूर्णिया, विजय फिजिक्स के बगल में, इस नंबर पर आप उनको कॉल कर सकते। चलिए इसी के साथ तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो और भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हों।